हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एम्स बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल 2023 का। दो पेपर हमने पहले भी सोल्व करवा दिए हैं, आज इस वीडियो में हम तीसरा पेपर सोल्व करने वाले हैं जो रासायनिक विज्ञान मतलब केमिस्ट्री का पेपर रहेगा, जिसमें 20 क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसी ये लेक्चर टेस्ट सीरीज का आपका तीसरा टेस्ट पेपर है जिसे आप सोल्व करने वाले हैं। दो पेपर पहले भी सोल्व हो चुके हैं, उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगा, वहां से आप सोल्व कर सकते हो। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पे पहली बार है या वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको रेगुलर टेस्ट सीरीज एंड ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, जिससे आप कोई भी प्रॉब्लम्स, कोई भी डाउट्स, कंफ्यूजन्स नहीं रहे। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आपको आंसर्स देखने हो तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और आंसर आपका नीचे भी नीचे जैसे आप स्क्रॉल करोगे तो वीडियो के लास्ट में भी आपको आंसर बताए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर दिख रहा होगा, यहाँ पे भी आपका आंसर है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इससे आपको घबराना नहीं है कि आंसर मेरे को यदि समझ में नहीं आता तो नीचे से आप ये आंसर देख सकते हो। ओके, तो इस तरह से आप जो है इनके आंसर यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आंसर हमने यहाँ पे दिए हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और यदि आप चैनल पे स्टार्ट करते हैं, यदि आप चैनल पे नए हो तो चलिए सब्सक्राइब कर लीजिए। हिंदी मीडियम से आप यदि हिंदी मीडियम से है तो हिंदी मीडियम से, और इंग्लिश मीडियम से तो इंग्लिश मीडियम से सोल्व कर सकते हो। दोनों तरफ हिंदी और इंग्लिश दिया गया है। यदि आपको कोई हिंदी में समझ में नहीं आ रहा है तो इंग्लिश मीडियम का राइट समझे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका संकुल है, ये जो है कोडिशन कंपाउंड का क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें आपको संकरण ज्ञात करना है, संकरण आपको निकालना। तो इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। यदि आपको उपशीघ्र अंक निकालना आता तो आप इजिली इसे सोल्व कर सकते हो। तो पहले का क्या राइट आंसर जाएगा तो आप इजिली निकाल लीजिए। तो इसका पहले का जो राइट आंसर जाएगा, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और बहुत सी एग्जाम में पूछा भी गया है। तो इसका राइट आंसर जो आने वाला है वो आपका फोर्थ राइट आंसर रहेगा। ठीक है, तो इसका फोर्थ आंसर यहाँ पे राइट जाने वाला है, तो इसका आंसर है वो आपका फोर्थ आंसर जाएगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की, तो सेकंड क्वेश्चन को आप रीड कर लीजिए। तो सेकंड का आंसर क्या जाएगा, कार्बोनिल यौगिक की अभिक्रिया में निम्न में से कौन सा अभिकर्मिक नाभिक स्नेही योग के पश्चात जल का विलोपन होता है। तो ये जो क्वेश्चन है वो पूरे केमिस्ट्री में आपको चलता है कि जल अपघटन होगा, जल का विलोपन कब होगा, तो इसके पूछा गया है। ठीक है, तो ये बहुत से चैप्टर्स में इसका मेंशन किया गया है, बहुत से चैप्टर्स में इसके बारे में पूछा गया। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप इजिली सोल्व कर सकते हो। तो ये केमिस्ट्री का सेकंड क्वेश्चन है जिसे आज हम सोल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे चार ऑप्शन आपके सामने है, तो इसे रीड करते रहिए। इंग्लिश मीडियम से है तो आप इंग्लिश मीडियम का इधर से रीड कर सकते हो। तो चारों ऑप्शंस में से इसका राइट आंसर क्या जाएगा, तो सेकंड में जो राइट आंसर आपका है, सेकंड में आपका राइट आंसर जाएगा, इसका राइट आंसर जाएगा फर्स्ट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या जाने वाला है, फर्स्ट राइट आंसर जाने वाला है। ओके, तो ये चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी, इसका आंसर जो है वो फर्स्ट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करें, तो थर्ड क्वेश्चन आप देखिए, यहाँ इंग्लिश मीडियम से इसके देख सकते हो। विच ऑफ इसमें पूछा त्रिविम संरचना है जो कि ध्रुवण घूर्णक कहलाती है। ठीक है, तो ये इंग्लिश मीडियम से आप पूछ लीजिए। टू पॉसिबल स्टीरियो स्ट्रक्चर तो ऑफ सी एच थ्री सी एच ओ एच डॉट सी डब्ल्यू एच। ओके, तो यहाँ पे आप इंग्लिश मीडियम इसको देखें तो इसका राइट आंसर क्या जाने वाला है। तो इसके सामने भी आपके पास चार ऑप्शन है, तो यहाँ पे चारों ऑप्शन पे थर्ड में देख सकते हो। तो थर्ड में आपका चारों ऑप्शन में जो आंसर जाने वाला है वो आंसर जाएगा, यहाँ पे सेकंड आंसर जाने वाला है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है जिसे आप अच्छे से कर सकते हो। ओके, तो इसमें जाएगा आपका सेकंड आंसर। ओके, तो ये चीज समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे थर्ड क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन की, तो ये भी आपका जो है बहुत इजी क्वेश्चन है। सल्फाइड एक्सको में से कॉपर के निष्कर्षण में धातु को प्राप्त करने के लिए अत्यंत क्यूप्रस ऑक्साइड का ऑप्शन किसके साथ होता है। तो ये बहुत एनसीईआरटी की लाइन है, ये एकदम इजी लाइन है, तो आप इसे अच्छे से रीड करें और ऐसे क्वेश्चन को गलत नहीं करें। ठीक है, क्योंकि यदि आप ऐसे क्वेश्चन से गलत कर लेंगे तो कहीं ना कहीं आप जाए कटऑफ से बाहर हो जाएंगे। तो फोर्थ में क्या आंसर जाएगा, फोर्थ में जो राइट आंसर जाने वाला है वो आपका सेकंड आंसर जाने वाला है। ठीक है, तो सेकंड आपका राइट आंसर रहेगा यहाँ पे। ओके, तो ये चीज आपको इजिली समझ में आ चुकी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, और हम फिफ्थ क्वेश्चन को जाएंगे। तो फिफ्थ क्वेश्चन है, एक गैस जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड आदर्श गैस नियम का पालन सर्वाधिक किस दिशा में करेगा। तो ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है जिसे आप इजीली सोल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे आपके सामने चार ऑप्शंस रखे गए हैं पांचवें क्वेश्चन में, जो केमिस्ट्री और रासायनिक विज्ञान का पेपर में। तो पांचवें क्वेश्चन में क्या राइट आंसर जाएगा, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जाने वाला है वो फोर्थ आपका राइट आंसर जाएगा। ओके, तो ये चीज आपको समझ में आ गई। देन हम नेक्स्ट बात करें सिक्स क्वेश्चन की,
तो यहाँ पे भी इजी क्वेश्चन है और इसकी सिक्स क्वेश्चन को आप रीड कर सकते हो। यदि हिंदी मीडियम से हो तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम से इंग्लिश मीडियम में हो। तो यहाँ पे पूछा है कायरल केंद्र का S1 अभिक्रिया में होता है, तो ये भी आपका इजी एनसीईआरटी की लाइन है जिसे आप इजिली सोल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे आपके सामने पूरे चार ऑप्शन रखे गए हैं, चारों में से क्या आंसर जाएगा। तो सिक्स में जो आंसर आपका आंसर है वो आपका आंसर जाएगा फर्स्ट। ओके, तो फर्स्ट आपका यहाँ पे राइट आंसर जाएगा। ओके तो ये चीज समझ में आ चुकी है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या राइट आंसर जाएगा, आठवें क्वेश्चन की हम बात करें, सातवें क्वेश्चन की सॉरी। तो यहाँ बीसीसी की जालक में एक कोष्टिका में रिक्त स्थान होता है, तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है जिसे आप इजीली सोल्व कर सकते हो। तो इसका क्या राइट आंसर जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर जाने वाला है वो जाएगा आपका सेवंथ में, वो आपका थर्ड राइट आंसर जाएगा। ठीक है, तो इसे इजी से सोल्व करें, बहुत इजी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का लाइन है, तो इसे गलत नहीं करें। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको बिल्कुल गलत नहीं करने हैं। देन हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो यहाँ पे आठवें क्वेश्चन में क्या आंसर जाने वाला है, तो ये भी आपका बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, संकुल आयन FeCN3, तो यहाँ पे CN6 है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम इसको देखें, थोड़ा इंग्लिश हिंदी मीडियम में टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है, तो इंग्लिश मीडियम इसे देख लिए FeCN6 3। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, देखिए कुछ जो यहाँ पे जो भी कंपाउंड दिया जाता है तो उसको इंग्लिश मीडियम में आप देखने की कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर जो जाने वाला है वो आपका राइट आंसर जाएगा आठ में, आपका राइट आंसर जाने वाला थर्ड। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जाएगा थर्ड। नाइन क्वेश्चन की हम बात करें, तो नाइन क्वेश्चन में आपका आंसर क्या जाएगा, तो यहाँ पे आपको कोशिश करना है कि ऐसे क्वेश्चंस को गलत नहीं करें। ठीक है, तो नाइन्थ में आपका आंसर जाना है, अच्छे से रीड कर लीजिए, जल अणुओं की अधिकतम संख्या किसमें होती है, तो ये मोल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछा गया, जो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो नाइन में जो आपका आंसर जाएगा वो आपका राइट आंसर जाने वाला है थर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जाएगा थर्ड। ओके उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, दसवें क्वेश्चन की। तो ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड के लिए दहन उष्मा दी गई है, और कार्बन एवं ऑक्सीजन से 35.2 ग्राम और CuO बनने की उत्तेजित उष्मा होगी, तो यहाँ पे हीट पूछा गया आपसे। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या जाएगा, तो ये इजिली आप न्यूमेरिकल है सोल्व कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप को सोल्व कीजिएगा। यदि आपको नहीं आता है तो आप इजिली जो है हमारे बुक्स में भी आपको अवेलेबल है ऐसे क्वेश्चन, वहां से आप इसे इजिली सोल्व कर सकते हो। तो 10 में आपका क्या आंसर जाएगा, 10 में जो आपका राइट आंसर जाएगा, इसमें आपको ध्यान रखना है प्लस माइनस का, तो यहाँ पे इसका आंसर जाएगा फोर्थ। चलिए ग्यारहवें क्वेश्चन की हम बात करते हैं, तो ग्यारहवें क्वेश्चन में क्या राइट आंसर जाने वाला है, निम्न यौगिक में से किसमें जलीय विद्युत विलयन विद्युत धारा का सबसे अच्छा सुचालक है, तो यहाँ पे आपको सोचना होगा कि इसका राइट आंसर क्या जाने वाला है, तो इजिली से सोल्व कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा 11 में, इसका राइट आंसर जाने वाला है, जल्दी से सोल्व कर लीजिए, इसका राइट आंसर जाएगा फर्स्ट, इसका राइट आंसर जाने वाला है फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। बारहवें क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित युग्म में से कौन सी दोनों स्पीसीज समसंरचनात्मक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना समसंरचनात्मक नहीं है इससे पूछा गया, तो नोट यहाँ पे इस चीज को ध्यान में रखना है। ओके, तो इसमें राइट आंसर क्या जाएगा, चार ऑप्शन आपके सामने रखा गया है, तो चारों में से आपका क्या राइट आंसर जाएगा, तो आपका बारहवें क्वेश्चन में राइट आंसर जो जाने वाला है वो जाएगा आपका थर्ड। ठीक है, तो यहाँ नहीं पूछा तो इसमें राइट आंसर जाएगा थर्ड। ओके, तो ये चीज आपको समझ में आ चुकी होगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 13वें क्वेश्चन की हम सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे पूछा गया है मोल अंश पूछा गया, तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, तो इसे आप इजीली सोल्व कर सकते हो। यहाँ पे मोल निकाल लीजिए, पहले मोल कैसे निकालना है, जल का निकालना है, तो 18 और उससे निकाल लीजिए आप इसका मोलर मास। ठीक है, कितने मोलर मास है कि मतलब कितने ग्राम लिया है, तो इसको इजिली निकाल सकते हो, बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो इसे आप इजी सोल्व कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर 13 में क्या जाएगा, 13 में इसका राइट आंसर जाने वाला है वो थर्ड जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नाभिक स्नेह के लिए सही नहीं है। ठीक है, तो नाभिक स्नेह के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो यहाँ पर भी आपके सामने चार पांच ऑप्शन रखे गए हैं,
तो चार ऑप्शंस में आपका राइट आंसर क्या जाने वाला है, तो 14 में आपका राइट आंसर जो जाएगा वो आपका राइट आंसर फोर्थ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई, राइट आंसर आपका यहाँ पे फोर्थ जाने वाला है। नेक्स्ट हम 15 क्वेश्चंस की बात करेंगे, तो यहाँ पूछा गया है 15 क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में किसके द्वारा आयनिक त्रिज्या का क्रम सही रूप से प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे भी आपके सामने चार ऑप्शन है जिसे आप इजीली देख सकते हो, तो चारों ऑप्शंस को यहाँ पे देखना है इसमें राइट आंसर क्या जाएगा। तो 15 में आपका राइट आंसर जाने वाला है वो सेकेंड आपका यहाँ पे राइट आंसर जाएगा। ओके, तो अभी ये चीज समझ में आ चुकी होगी। तो 15 में आपका जो राइट आंसर जाने वाला है, एक सेकंड हम वापस वहीं आते हैं, थोड़ा सा 15 क्वेश्चन को हम सोल्व कर रहे थे। तो ईमानदारी से आपको सोल्व करना है और बताना है कि कितना क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम 15 क्वेश्चन में जाएंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है जिसे यदि आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, एनसीईआरटी के बेस पे चल रहे हो, अपने नोट से भी पढ़ रहे हो, तो आप इजिली इन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। तो 15 में क्या आंसर आपका जाएगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हम 15 क्वेश्चंस के पास पहुंच गए हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जाने वाला है वो आपका राइट आंसर जाएगा सेकंड, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ चुकी है, इसका आंसर जाने वाला है सेकंड। ओके, तो कोई भी दिक्कत हो आपको हिंदी मीडियम में तो आप इंग्लिश मीडियम में देखें। देन हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, 16 क्वेश्चन की, तो यहाँ पे भी आपको बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसे आप इंग्लिश मीडियम में रीड कीजिए और इसका पूछा गया कौन सा अभिकारक शेष बचा रहेगा और कितना बचा रहेगा। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसे आप देख सकते हो। तो इसका राइट आंसर क्या जाने वाला है, तो 16 में आपका राइट आंसर जाने वाला है वो फर्स्ट आपका राइट आंसर जाएगा। ओके, तो आपका फर्स्ट आंसर यहाँ पे जाने वाला है राइट आंसर। देन हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन 17 की, तो 17 में यौगिकों का युग्म जो एक साथ विद्यमान रह सकता है, तो यहाँ पे कौन सा 17 में आंसर एनसीईआरटी से बाहर है जिसे इसे रीड कर सकते हो, याद कर सकते हो, तो देख लीजिए, या इसे संकरण से भी याद कर सकते हो। तो 17 में जो इसका राइट आंसर जाएगा वो थर्ड राइट आंसर यहाँ पे जाने वाला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के 18 क्वेश्चन की हम बात करें, तो 18 क्वेश्चन है आपका निम्न आयन में से बी टू, ठीक है, मतलब यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में आप देखें इसे, तो सम इलेक्ट्रॉनिक पूछा गया है, तो ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो 18 में इसका आंसर जाएगा सेकंड। ओके, तो ये कई बहुत ही एग्जाम्स में बार पूछा गया है। 19 क्वेश्चन की हम बात करें, सर्वाधिक द्विध्रुव आवरण किसका है, तो ये भी बहुत ही बार पूछा गया है, तो इसमें 19 में जो आंसर जाएगा वो आपका आंसर जाने वाला है थर्ड, ठीक है, तो थर्ड इसका राइट आंसर जाएगा, थर्ड इसका राइट आंसर जाएगा। देन हम बात करें 20 नंबर क्वेश्चंस की, तो यहाँ पे पूछा समतल त्रिकोणीय है, तो इंग्लिश मीडियम में आप पूछ सकते हो, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर जाने वाला है वो इसका राइट आंसर जाएगा सेकेंड, ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर जाने वाला है सेकेंड, तो क्या आंसर जाएगा इसका सेकेंड, सॉरी इसका आंसर जाएगा सेकेंड। तो ऐसे सारे क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं, तो आई होप कि ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा और काफी इंजॉय भी किए होंगे आपने, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं यहाँ पे, इसमें राइट आंसर जो है वो सेकंड जाएगा, तो इसको आप देख सकते हो सेकंड आंसर इसका राइट जाने वाला है। ओके, तो इसका सेकंड 20 में आपका सेकंड आंसर है। ओके, तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही। यदि आंसर की में आपको कोई दिक्कत हो, आपको लग रहा हो कि कुछ क्वेश्चन में हमने गलत आंसर दिए, तो आप कॉमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हो कि कुछ त्रुटियां हो सकती है मे बी। और चलिए आज इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको भी लक्ष्य टेस्ट सीरीज ज्वाइन होना है, क्योंकि लक्ष्य टेस्ट सीरीज का तीसरा पेपर है, यदि आप भी ज्वाइन होना चाहते हो तो स्क्रीन पे चल रहे नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। लक्ष्य टेस्ट सीरीज में आपका 10,000+ क्वेश्चंस, उसके साथ सोर्स नोट्स और चैप्टर वाइज क्वेश्चन दिए गए हैं, उसका सोल्यूशन भी, ताकि आप अपना स्कोर है वो बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल में एक कट ऑफ से ऊपर ला सको। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही। यदि आप चैनल पे नए हो तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे रेगुलर आपको वीडियोज मिलती रहेंगी जिसे आप अपना स्कोर इंक्रीजेस कर सकते हो। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।